और बहुत ही बड़ा विकेट आरके समीर कोचर 42 बनाए थे, केवल 25 गेंदों का सामना किया था, पूरी तरह से सेट थे, बड़े शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन यहां पर विकेट कीपिंग झपकते ही स्टंप्स गिरा दिए। अगेन अ गुड डिलीवरी और आउट। इसी के साथ दूसरा विकेट मुंबई हीरोज का। तीन गेंदों में दो विकेट के बाद मुंबई हीरोज 74 for 2। दोनों सेट बैट्समैन पेवेलियन लौटते हुए, बाहरी किनारा, लेकिन फिर से देखिए बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग। पिछली गेंद पर स्टंपिंग किया था और इस बार एक शानदार कैच पकड़ा। दोनों सेट बल्लेबाज वापस पेवेलियन में 28 पर आफ्ताब आउट हुए, 74 for 2। समीर कोचर और आफ्ताब, अच्छा मौका है सलीम के पास, एक अच्छा कुछ इस तरह से आउट हुए थे, बैकफुट में खेलना चाहते थे, हल्का बाहरी किनारा लगा और बेनी ने शानदार कीपिंग की। समीर कोचर को स्टंप आउट किया और आफ्ताब सिद्धसानी को कैच आउट। वाइड, आई थिंक इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि भेरवानी जो है रनर के साथ मैदान में उतरे हैं, सो दैट कुड एड टू अ बिट ऑफ अ कंफ्यूजन, क्योंकि एक बार ऑलरेडी पहले देख चुके हैं जब आफ्ताब के साथ। पहले देख चुके हैं आफ्ताब एक बारी कहते हुए कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे जब उन्होंने रनर को नहीं देखा था, तो दैट कुड ऐड टू द कंफ्यूजन। थोड़े से चिंतित नजर आ रहे हैं बॉबी देओल इस वक्त। और के कुछ देर पहले हमने देखा था कप्तान नीचे गए थे और उसके बाद ही दो विकेट गिर गए, अब वापस कप्तान ऊपर पहुंच गए हैं। टशन देखिए, मेरा नहीं सब एक्टर लोग का भी टशन होता है। बेहतरीन शॉट शब्बीर अलूवालिया का।